और जो सबसे बड़ा जो पाप, द बिगेस्ट कार्डिनल सिन आवर लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम 1947 अंटिल लेट 2000 जो किया गया है वो ये है कि हमने जो भी व्यक्ति भारत और भारतीयता पे विश्वास करता है उसके अंदर एक हीन भावना भर दी गई। हमने वो हर व्यक्ति जो एक एलियन फॉरेन थिंकिंग को इस देश में लाता है उसको सेलिब्रेट किया, और वो जो देश की नेटिव इंटेलिजेंस और नेटिव विजडम की बात करता है उसको हमने दबाया गया। वरना क्या कारण है जिस देश ने कृष्ण, चाणक्य, बुद्ध, गांधी, इवन नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, मैं वहीं से आ रहा हूं, इतने महान, इतने बड़े और तमाम बहुत है, एक दो नहीं है, इतने बड़े जिनको ग्लोबली, विवेकानंद जिनको ग्लोबली इंटरनेशनल एक राजनीतिक चिंतक के रूप में टॉप लीडर्स में माना जाता है, जिस देश ने चार धर्मों का आजाद किया हो, मुझे ये बताइए वहां पे माओ और लेनिन क्या कर रहे हैं? कौन सा ऐसा देश है विश्व में जहां पे वहां की जो नेटिव विजडम है उसको छोड़ के किसी और देश की विजडम को लाके हमको एक इंटेलेक्चुअली कॉलोनाइज किया जाता है? वो हर व्यक्ति, आप, मैं इतना यूनिवर्सिटीज में घूमता हूं, किसी भी लड़के लड़की से पूछ लीजिए, अगर तुम कहो मैं मार्क्स पढ़ रहा हूं तो तुम्हारा क्या स्टेटस होता है, और तुम कहो मैं विवेकानंद पढ़ रहा हूं तो तुम्हारा क्या स्टेटस होता है? आप में से कई लोग इस बात के अनुभवी होंगे। तो सबसे पहला जो हमने आइडिया ऑफ भारत को कहां डिस्ट्रॉय किया, हमने जो बाहर की जो, देखिए आज खाने पीने के मामले में पूरा विश्व एक कॉन्सेंसस बनाता जा रहा है कि आपके शरीर के लिए वही खाना सबसे अच्छा होता है जो आपके इर्द गिर्द पैदा होता है। आइडियोलॉजी भी वही करेक्ट होती है जो आपके इर्द गिर्द पैदा होती है, क्योंकि उसमें हजारों साल का इंटेलेक्चुअल संघर्ष होता है। एक संघर्ष के बाद, एक मंथन के बाद, एक विचारधारा धीरे धीरे पनपती है। उस विचारधारा को क्वेश्चन करना और निरंतर आपको यह बताते रहना कि जो विचारधारा आप मानते हैं वो गलत है और विचारधारा जो बाहर से आ रही है वो सही है, और इस तरह से धीरे धीरे लोगों को ब्रेन वॉश करते हुए एक नया इंडिया खड़ा कर देना और एक ही देश को डिवाइड कर देना, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ी साजिश हमारे साथ की गई।